उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ने फिर बोला कांग्रेस पर बड़ा हमला। लोगों से कहा कांग्रेस आपकी संपत्ति पर पंजा मारेगी, अगर दो घर होंगे तो एक घर छीन लेगी। आगरा में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले अयोध्या और काशी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, अब ब्रज की बारी है। ममता बैनर्जी के अपनी ओर से अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी की हत्या का शक जताने के बाद मुंबई से एक संदिग्ध गिरफ्तार, कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी के घर की रेकी करने का आरोप। ममता के अपनी हत्या की आशंका जताने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का पलटवार, बोले खुद को बागिन कहने वाली ममता पहले चरण के मतदान के बाद बनी बिल्ली। दिल्ली कांग्रेस में कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट देने के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में लगे बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा किनारे। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने विरोध की खबरों को खारिज किया है, बोले 60 लाख की आबादी में 50-100 लोगों के विरोध का क्या मतलब। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने उठाए सवाल, कहा प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पर कांग्रेस माता बहनों का मंगलसूत्र भी बेच देगी। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम का जिक्र तक नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला, बोले कांग्रेस ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, कांग्रेस जीती तो आपकी संपत्ति को ज्यादा बच्चे वाले और घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के भाषण को बताया उनकी बौखला, ट्वीट में लिखा कि जाहिर हो गया है कि पहले चरण के मतदान के बाद इंडिया जीत रहा है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री को कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मिलने का उन्होंने समय वो मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, हिंदुओं की आबादी 80% है और हमारी 14%, मगर कभी किसी मुसलमान ने हक से ज्यादा नहीं मांगा है। प्रधानमंत्री के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, लोगों से कहा कि ये सोचकर वोट डालिए कि हम भारत के नागरिक हैं, घुसपैठिए नहीं। मतदान से पहले ही सूरत लोकसभा सीट जीती बीजेपी, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद सूरत सीट से बाकी 8 उम्मीदवारों ने भी आज अपना नामांकन वापस ले लिया। तबीयत खराब होने की वजह से आज भी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी, कल अचानक तबीयत बिगड़ने से मध्य प्रदेश के सतना और रांची में इंडिया की रैली में नहीं हो पाए थे शामिल।